किसानों की राजधानी सिसौली में प्रतिमाह 17 तारीख को होने वाली मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में जहां दूर दराज के किसान रहे, तो वहीं मंच से किसानों को एकजुट करने की बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए आप तैयार रहें और गांव-गांव जाकर संगठन को और मजबूत बनाएं, क्योंकि सरकार और बहुत से नए कानून किसान विरोधी पॉलिसी लेकर आ रही है। अगर संगठन कमजोर पड़ा तो सरकार नए कानून और विदेशों से मिल्क प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। आस्था के सवाल पर सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गांव-गांव जाकर किसानों की कमेटी बनाओ और संगठन को मजबूत करो, क्योंकि भारत सरकार ने जो वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। MSP पर गारंटी कानून पर एक कमेटी बननी थी, वह भी नहीं बनी। सरकार बहुत सारी पॉलिसी लेकर आ रही है, संगठन अगर कमजोर रहेगा तो सरकार और बहुत सारे कानून लेकर आएगी। जिस किसान के पास 2 पशु होंगे तो उसे बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने 2 पशु रखने का कानून बनाया है, सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार अभी डेयरी प्रोजेक्ट लेकर आएगी, बाहर से दूध के सारे प्रोडक्ट आएंगे, विदेशों से उन किसानों का क्या होगा जो भूमिहीन किसान है, जो महिला किसान अपने पशुओं का दूध बेचकर अपना गुजर बसर कर रही हैं, उनका क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, लोगों को दूसरी तरफ मोड़ दिया कि आप सब मंदिर मस्जिद में उलझे रहो, अब एक हिजाब का मामला चला दिया। उन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP पर खरीद होगी, पिछले साल के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपए से कम की होगी खरीद, और 1,00,000 करोड़ रुपए का तसला खरीदते हैं, तसला व्यापारी और MSP पर भेजते हैं। किसान नेता बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज बंद हैं। गणित समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, इनसे सवाल जवाब करो। अधिकारियों से भी हो जो दरोगा मिल जाए उससे भी सवाल जवाब करो। अगर RSS की लाठी से 4 इंच लाठी किसानों के ऊपर होगी तब गुजारा होगा। देखो, मुख्य मुद्दे तो हमारा ये 17 तारीख की पंचायत और ही, और ये पिछले 35 साल से होती है, तो किसान यूनियन की 14 हैं, ये तो मनानी पड़े। आज तो मनाते रहेंगे, आते रहे लोग, क्योंकि इस दिन ये रहता है कि हमेशा टिकैत साहब भी यहीं मिलते थे, अब नरेश जी हम, तो 17 तारीख को सब मिलते हैं। जो किसी को आना है कि 17 तारीख को सिसौली चलेंगे, तो आपस में सब लोग मिल जाते हैं पदाधिकारी, और क्योंकि चुनाव का मामला चल रहा तो ज़्यादा भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े इशू भी नहीं थे, तो रूटीन में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, रूटीन उस पर कमेटी नहीं बनी अभी। रणनीति तो रहेगी, ये है चुनाव के बाद तक वे कहा के बनाएंगे, तो देखते हैं, नहीं तो हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है, बहुत नुकसान उसको है। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ की हम फसलें MSP पर खरीद देंगे, तो 1,00,000 करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाता है। ये ना हमारे उससे कौन हार जीत रहा, हम कहीं को हमारी तो भाई एक वोट है दे ले, तो हमने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला के जिसको जहां वोट देने दे लगा, आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है दे लगा। इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गन्ना किसान फसलों के जो रेट हैं, और जब उसका पैसा मिलता है बेचने के बाद में, वो 1 साल बाद में मिल जाएगा, और 1 साल बाद में ले कर पैसे उसको कहाँ वोट देने दे लगा। हरियाणा से 12 गुना महंगी बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में है, इलेक्शन यहाँ पे है, जहाँ वोट देगा दे लगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हम पॉलिटिकल से बहुत दूर रहते हैं। कोको तो इनकी सरकार की लेकर जाती है भाई, कोको, और कोको देखी उन लोगों ने जो कंठी का कुर्ता पहनते थे और जिनकी अंदर की जेब होती थी, कोको बुड्ढू की जेब में रहती थी। अब वे भाई बुड्ढे बताओगे कहाँ है कोको। ठीक है सर, लखीमपुर कांड में जो लड़का था वो रिहा हो गया, क्या कहेंगे आप उसमें रिहा हो गया, उसके बाद आप असली मुलजिम जिस पे पूरा केस हो वो रिहा हो जाता हो,
क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने का षड्यंत्र है? क्या जिस तरह से पैरवाई सरकार को करनी चाहिए थी उसमें खामियां रही? कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, कुर्ता पहनते थे और जिनकी अंदर की जेब होती थी कोको बुड्ढू की जेब में रहती थी, अब वे भाई बुड्ढे बताओगे कहाँ है कोको? ठीक है सर, लखीमपुर कांड में जो लड़का था वो रिहा हो गया, क्या कहेंगे आप उसमें रिहा हो गया? उसके बाद आप असली मुलजिम जिस पे पूरा केस हो और देश रिहा हो जाता हो, क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने का षड्यंत्र है? क्या जिस तरह से पैरवाई सरकार को करनी चाहिए थी उसमें खामियां रही? कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो खामियां रही वो पूर्ण रूप से सरकारों की मिलीभगत से ये हुआ है। अगला हम जाएंगे डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हाँ नहीं ठीक कहा उसने भाई, वो तो बात तो एक आधी वो ठीक कह दे, अगले भी ठीक है बात तो, एक आधी बात तो ठीक है। लखीमपुर कांड में सरकार को पहले हाई अपर कोर्ट जाना चाहिए था, क्या लगता है कि वो सरकार क्यों वो कागज पत्रों में भी उसमें वो रखी है और सरकार गई ही नहीं? हमें नहीं पता भाई बदलाव, मैं तो आंदोलन के आदमी, सरकार ए आओ सरकार बी आओ सरकार कोई आओ, तो हमें बुलडोजर की बात कही जा रही है कि अपराधियों में बुलडोजर चलाए गए, क्या कहेंगे एक अपराधी को सरकार ही छुड़ा रही है? ना सरकार का तो नहीं अपराधी कोई होता, अपराधी तो दूसरा है, जो वोट ना देता हूँ वो अपराधी है, सरकार की नज़र में वोट ना देने वाला अपराधी है, और अगर उनको वोट दे दें वो फिर कुछ ही खेल लो खाओ। देखो सरकार जाएगी जब गिनती पर जाएगी, ये जाके 15,000 वोट लेकर साथ में, और जीत हार का नहीं, 15,000 इनकी गिनती 15,000 से शुरू होगी, और जो विपक्ष के जो लोग होंगे जो सरकार में शामिल नहीं है उनकी 0 से शुरू होगी। अच्छा विपक्ष वाले ही जो उनके पहरा दे रहे हैं, डर है उन लोगों को? हाँ देना चाह भाई, अपनी ब्याती भैंस का सबको पहरा देना चाह। हम थोड़ा कोई हम कोई सेना है और हम मदद करेंगे, हम सेना है। सरकारी कर्मचारियों की जो बैलेट से वोट डाली जा रही है वो सब एक पक्ष में जा रही है ज्यादातर, कोई अपनी निगरानी रख ले तो नहीं, नहीं तो और की सबकी एक पक्ष से जा रही, कुछ वोट इन्होंने कटवाई है जातिगत आधार पे, कि ये वोट सरकार की नहीं है तो उनको कटिंग कराओ नोट में, तो ये 15,000 के ई एम एम का तो नहीं ज्यादा लेकिन वैसी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।